और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। उत्तर प्रदेश के बहराइच में आदमखोर भेड़ियों का आतंक अब भी बरकरार है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में चार भेड़ियों को पकड़ने के बाद बचे हुए दो भेड़ियों की तलाश और ज्यादा तेज हो गई है। बहराइच की महसी तहसील क्षेत्र के रायपुर इलाके में फिर भेड़िया दिखा, जिससे इलाके के लोग अब भी दहशत में हैं। भेड़ियों को पकड़ने के लिए नए जाल और पिंजरा समेत ट्रैकुलाइज गन लगाई गई है। वन विभाग को उम्मीद है कि जल्द ही बाकी बचे दो भेड़ियों को जल्द पकड़ लिया जाएगा। बड़ी बात यह है कि आसपास के 35 गांव में भेड़ियों ने आतंक मचा रखा है और अब तक 9 लोगों को अपना शिकार बना चुके हैं। तो बहराइच में बाकी भेड़ियों की तलाश जारी है और फिलहाल ये तस्वीर आप देखिए जहां पर कैमरे में भी कैद हुए हैं भेड़िए। वन विभाग की 12 टीमें तलाश में जुटी हुई हैं। दो भेड़िए अभी बाकी बचते हैं जिन्हें पकड़ने को लेकर भी कवायद लगातार जारी है। ऑपरेशन वुल्फ चलाया गया पुलिस की ओर से, 12 टीमें तैनात कर दी गई और न सिर्फ पुलिस की टीमें बल्कि ग्रामीण खुद भी लगातार सतर्क हैं ताकि कोई ऐसी घटना ना हो, क्योंकि पहले ही कई लोगों की जान ये भेड़िए ले चुके हैं। साहब अपन काम करत है, दौरत धूप पर तुनहू है, जब वहाँ तक हो सकता है फसावत बनावत है, लेकिन अब कौन उनके हाथ में तो है नहीं, तो वे बांधे रहें तो तुरंत जाल हम कही दिए। टीम तो रात दिन दौरत है, डेर तो है ये है, कहूँ खतरों का डर था तो वह वहाँ आदमी सब परेशान है, कर्मचारी सब वह दौरा घूमत है। ये पता चल गया, अगर है तो भी हमारी सफलता है, ये पता चला कि अभी इधर नहीं है वो भी हमारी सफलता है कि कम से कम हम दूसरे क्षेत्रों में अब ढूंढ सकते हैं और लोगों को जागरूक कर सकते हैं। गांव में अब लोग हमारे लगेंगे और बहुत दूर जाने से रोकेंगे। जन जागरण करने की आवश्यकता है, रात में जगने की आवश्यकता है और कोई बच्चा बाहर न निकले, विशेष रूप से ये व्यवस्था करनी है। इसी पर अगर हम ध्यान दे ले गए एक दो दिन तो एक दो दिन में ही जो शेष बचे हुए भेड़िए हैं वो भी पकड़े जाएंगे। कुछ अनुमान है कितने बचे होंगे अभी भेड़िए? दो। तो वन विभाग की 12 टीमें लगातार तलाश में जुटी हुई हैं और खास तौर पर छोटे बच्चों को ये भेड़िए शिकार बना रखे हैं। गैंग ऑफ भेड़िया इसे कहा जा रहा है, जिसके लिए ऑपरेशन वुल्फ भी चलाया जा रहा है। फिलहाल ये तीन तस्वीरें आप देखिए, पिंजरे लाए गए हैं, इन पिंजरों के जरिए उन्हें ट्रैकुलाइज करने की, पकड़ने की कोशिश की जा रही है। दूसरी तस्वीर आप देखिए, ड्रोन कैमरे से भी नजर रखी जा रही है, ड्रोन कैमरे में भी अगर कहीं पर भेड़िया है तो वो दिखाई दे सके। पुलिस का डेरा लगातार गांव में, पुलिस का डेरा है, पुलिस लगातार यहां पर जुटी हुई है और लगातार इन आदमखोर भेड़ियों से लोगों को बचाने की कवायद जारी है, क्योंकि पहले भी कई बार अटैक कर चुके हैं। एक बार तो रात में सोते हुए 5 साल के बच्चे को ये उठाकर ले गए, सुबह सवेरे सोते हुए बच्चे को ये बगल से उठाकर ले गए। तो आदमखोर भेड़ियों की तलाश में जहां पूरा प्रशासनिक अमला लगा हुआ है, गांव वाले भी लाठी डंडों के साथ फील्ड पर उतरे हुए हैं। न्यूज 18 संवाददाता ने ग्रामीणों से भी बातचीत की है। उसी के चक्कर में हम लोग निकले हुए हैं, अभी सूचना भी तुरंत मिली है कि इधर दिखा है भेड़िया, तो काफी दिनों से दिख रहा है, आज एक पकड़ा भी गया है। अब अभी अभी आप लोगों को क्या जानकारी, अभी क्या कितने भेड़िए हैं आदमखोर? अभी जो फर्स्ट के द्वारा जानकारी दी गई है, दो बताया जा रहे हैं आदमखोर, दो आदमखोर भेड़िया हैं यहाँ जी बताया जा रहा है, देखे भी जा चुके हैं, देखे भी जा चुके हैं, चार पकड़े जा चुके हैं, दो देखे जा चुके हैं। तो आपको ऐसा लग रहा है कि जो पुलिस प्रशासन या फॉरेस्ट विभाग की ओर से इंतजाम तमाम किए हैं, आप लोगों को जरूरत क्यों पड़ रही है? जी जी बिल्कुल, हम लोग संतुष्ट हैं, जो भी अपने लिए सुरक्षा कर रहे हैं, लेकिन फोर्स विभाग के बहुत बड़ी व्यवस्था है। हाँ, सुरेश्वर सिंह विधायक जी के जरिए से
और बाकी आप लोग की अपनी जिम्मेदारी है इसलिए आप लगे जी, जी, तो जी, आप जी, ये बताइए बहराइच के बारे में, आज जो तुरंत ये तो नदी से लगा हुआ है कछार का इलाका है, यहाँ पर भेड़ियों की अक्सर आमद रहती है। हाँ, जी बहुत पहले रहती थी लेकिन कभी आदमखोर नहीं हुए, आदमखोर अभी जल्दी ये हो गए हैं। आदमखोर न होते तो भेड़िए तो हमेशा रहे नदी कछार में, हमेशा रहते थे। दो चार महीने से दिक्कत है, ये तीन चार महीने से दिक्कत है। अब तक कितने लोगों की जान चली गई है? करीब 8 लोगों की। हाँ, 8 लोगों की जान। जी जी जी। ये पकड़ा गया है। यूपी में ऑपरेशन आदमखोर, बिकॉज ऑफ दैट इंजरी वो लोन वुल्फ की है जो इस टाइप के इंसिडेंट्स वगैरह कर रहा है। पकड़ा गया चौथा भेड़िया। यूपी के बहराइच में 35 गांवों में आतंक का पर्याय बन चुका भेड़िया आखिरकार पकड़ लिया गया। वन विभाग की टीम ने आज एक और आदमखोर भेड़िये को पकड़ने में सफलता पाई। ये चौथा भेड़िया है जिसे अब तक वन विभाग की टीम ने पकड़ा है। इससे पहले भी 3 भेड़िये पकड़े जा चुके हैं लेकिन इलाके में दहशत अभी खत्म नहीं हुई है क्योंकि बताया जा रहा है कि 2 और भेड़िये इस इलाके में छिपे हुए हैं जिनके लिए वन विभाग की टीमें लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। 3 भेड़िये पकड़े जा चुके थे लेकिन उसके बाद भी इंसिडेंट नहीं। ये चौथा जो भेड़िया है ये काफी बड़ा भेड़िया है और ये ज्यादा खतरनाक माना जा रहा है। ये पकड़ा गया है और अभी भी 2 और बाकी हैं, हम उन्हें भी जल्दी ही पकड़ेंगे। वन विभाग की टीम पूरी तरह से वहाँ लगी हुई है, आसपास के जिलों से भी हमने टीम भेजी है। वहाँ पे ड्रोन कैमरे लगाए गए थर्मल ड्रोन लगाए गए क्योंकि पेड़ के नीचे अगर बैठा हो तो नहीं पता लगता है ड्रोन से, सिंपल ड्रोन से। तो हमने थर्मल ड्रोन लगाया है ताकि नीचे के टेम्परेचर से फर्क पता लग जाएगा कि कहाँ पे है। 45 दिनों में भेड़ियों के 38 हमले, 8 बच्चों और 1 महिला समेत 9 लोगों की मौत, 35 गांवों के 50,000 लोगों पर खौफ का साया। पिछले कुछ महीने से इस इलाके के लोग इसी दहशत को जी रहे हैं लेकिन आज वन विभाग की टीम को एक बड़ी सफलता मिली जब उसने सबसे खूंखार भेड़िये को पकड़ लिया। ये भेड़िया लंगड़ा है लेकिन सबसे ज्यादा खूंखार है। पिछले दिनों यही भेड़िया गाँव से 5 साल के बच्चे को उठा कर ले गया था जिसका शव खेतों में मिला। वन विभाग ने इस भेड़िये को नदी के किनारे गन्ने के खेत से पकड़ा, इसे पिंजरे में कैद करके रखा गया है। 4 भेड़िये कैद हो चुके हैं, 3 पहले पकड़े गए थे, 1 भेड़िया आज पकड़ा गया है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा वो दिखलाए कि भेड़िये का मूवमेंट क्या है, किस तरीके से जो भेड़िया है वो हरकतें कर रहा है। सबसे खूंखार भेड़िया यही माना जा रहा था, जो भेड़िया है वो पूरा यही भेड़िया इस इलाके में जो है अब तक दर्जनों लोगों को घायल कर चुका था और अब तक 8 बच्चों की मौत हो चुकी थी। 1 भेड़िया पकड़े जाने से इलाके के लोगों ने अब राहत की सांस ली है। बहराइच में जिस जगह पर सबसे ज्यादा भेड़िये का आतंक है वो तराई वाला इलाका है जो घने जंगलों से घिरा हुआ है। स्थानीय लोगों के मुताबिक भेड़िये इस इलाके में घूम रहे हैं जो मौका मिलते ही अटैक कर देते हैं। वन विभाग का कहना है कि आज जो भेड़िया पकड़ा गया वो लंगड़ा होने की वजह से जंगल में अपना शिकार नहीं कर पा रहा था और इसीलिए अपने झुंड के साथ गांव का रुख किया। अब भी इस झुंड के 2 भेड़ियों की तलाश जारी है। इन्हें पकड़ने के लिए भी उसी तरह थर्मल ड्रोन कैमरा लगाया गया है जिससे इस भेड़िये को पकड़ने में कामयाबी मिली। वन विभाग की 25 टीमें, 200 से अधिक कर्मचारी और इलाके के लोग बाकी बचे 2 भेड़ियों की तलाश में अब भी जुटे हैं। सबको इंतजार है उस वक्त का जब ये भेड़िये भी पकड़ में आएंगे और इलाके के लोगों को इस दहशत से छुटकारा मिलेगा। मजहबी पाठशाला न मान्यता न रजिस्ट्रेशन और इस अवैध मदरसे में चलती थी नकली नोट की फैक्ट्री, यानी कि नीचे मजहबी पाठशाला और ऊपर नकली नोट की टकशाल है ना कमाल की बात। मदरसे का मौलवी सुबह में बच्चों को पढ़ाया करता था और शाम में नोट छापा करता था और इसमें उसका साथ देते थे उसके मदरसे के ही कुछ पुराने छात्र। इस नोट फैक्ट्री में पुलिस ने 100-100 के
1,30,000 नोट बरामद किए हैं, जबकि भारी मात्रा में छपे हुए बिना काटे छाटे नोटों की शीट भी मिली है। और अब LIU से लेकर दूसरी एजेंसियां तक इस गैंग के तार खंगालने में जुटी हुई है कि कहां तक इसके तार जुड़े हुए हैं। अवैध मदरसा, नकली नोट का धंधा, मजहबी पाठशाला की काली कहानी, प्रिंटर, पेपर और मौलवी, ये अवैध मदरसा मजहबी पाठशाला के नाम पर नकली नोट की फैक्ट्री चलाने वालों का अड्डा है। अंदर से बाहर तक इस मदरसे पर अब LIU और दूसरी एजेंसियों का पहरा है, क्योंकि शक है कि इस साजिश के पीछे पाकिस्तान का हाथ तो नहीं। मदरसे दीनी तालीम के लिए होते हैं, लेकिन पुलिस कमिश्नरेट प्रयागराज की सिविल लाइन्स थाना पुलिस ने मदरसे में नकली नोट बनाने के गैंग का पर्दाफाश किया है। 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। यह अतरसुइया इलाके में मदरसा है। इस मदरसे का नाम मदरसा जामिया हबीबिया मस्जिद आजम है। यहाँ पर 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें कार्यवाहक प्रिंसिपल मौलवी मोहम्मद तफसीरुल आरिफीन है और मोहम्मद अफजाल, मोहम्मद साहिद और मास्टरमाइंड जाहिर खान को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। प्रयागराज के एक मदरसे में 100-100 रुपए के जाली नोट छापे जा रहे थे। पुलिस ने यहाँ से 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 1,30,000 रुपए की फेक करेंसी बरामद की गई है। गिरफ्तार आरोपियों में मदरसे का मौलवी मोहम्मद तफसीरुल भी शामिल है। नकली नोट बनाने वाली जो गैंग है, उसके 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। ये 4 लोग इन्वॉल्व थे। ये एक मदरसा जामिया हबीबिया है अतरसुइया में, और इसी में ये पूरा रैकेट चल रहा था। जो मोहम्मद तफसीरुल हैं, ये इसी मदरसे के मौलवी प्रिंसिपल थे, और जाहिर खान जो इसका मेन मास्टरमाइंड है, दोनों ये उड़ीसा के रहने वाले हैं। पिछले 5-6 साल से इसी मदरसे में ये दोनों रह रहे थे, और इनके द्वारा ये जो नकली नोट बनाने की जो कार्रवाई इनके द्वारा यहाँ पे की जा रही थी। दरअसल पुलिस को मुखबिर से टिप मिली थी कि मदरसे में कुछ संदिग्ध एक्टिविटी हो रही है। मदरसे में लगातार बाहरी लोगों का आना जाना काफी बढ़ गया था, लिहाजा पुलिस ने खबर को कन्फर्म किया और फिर ताबड़तोड़ छापेमारी शुरू हुई। इनके द्वारा मार्केट में जो इंडियन करेंसी, ओरिजिनल करेंसी है, उसमें जो अभी हमें पकड़ा, तो ये एक डील कर रहे थे कि 15,000 में ये 45,000 के फेक इंडियन करेंसी नोट प्रोवाइड कर रहे थे। तो मुखबिर की सूचना पे ये पुलिस ने डेवलप किया और उसी के बेसिस पे इस पूरी गैंग को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया। पुलिस ने जिस वक्त मदरसे में रेड मारी, तब भी वहाँ नोटों की छपाई चल रही थी। मौके पर प्रिंटिंग मशीन में नोट छापते हुए 3 लोग मिले। पूछताछ की गई तो पता चला कि मदरसे का प्रिंसिपल भी इसमें शामिल था, और इसी मदरसे में जो एक कमरा है वो यहाँ के कार्यवाहक प्रिंसिपल ने दिया था। और वो कमरा आप देख सकते हैं कि ऊपर वो कमरा है जहाँ पर नकली नोट बनाए जाते थे। तो यहीं पर नकली नोट बनाने का कार्य चल रहा था लंबे समय से, करीब 2-3 महीने से ये कार्य चल रहा था। और यहाँ पर जो नोट बनाए जाते थे, उसको 1 के बदले 3, यानी कि 1 असली नोट के बदले 3 नकली नोट दिए जाते थे, और 15,000 रुपये में करीब 45,000 के नकली नोट बेचते हुए पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। आरोपी 6 महीने से प्रयागराज में नोट छापने का काम कर रहे थे। फिलहाल मौके पर तो 1,30,000 के नकली नोट मिले हैं, लेकिन शीट इतनी मिली कि 4 लाख की और जाली करेंसी छप जाती। इस मदरसे में अलग से इस प्रिंसिपल ने इनको रूम दे रखा था, वहीं पे सारा प्रिंटिंग का काम, फिनिशिंग का काम, कटिंग का काम वहीं पे होता था, और वहीं पे ये नोट तैयार करके फिर मार्केट में बेचने के लिए लेके जाते थे। जो इनसे बरामद हुआ है, उसमें 1,300 डिनोमिनेशन के फेक इंडियन करेंसी नोट्स जो हैं वो मिले हैं। उसके साथ साथ 234 जो पेजेस मिले हैं, जिन पे इन्होंने ये जो फेक इंडियन करेंसी नोट्स प्रिंट कर रखे थे, प्रिंटर मिला है, हाई क्वालिटी जो स्कैनर है जिसको यूज़ करते थे वो मिला है। मदरसे वाले टकसाल में पैसों की मशीन लगी थी, जहां मजहबी शिक्षा की अलख जगाने का दावा किया जा रहा था, वहां देशद्रोह की पाठशाला चल रही थी।
खुफिया एजेंसियां अब ये पता करने की कोशिश कर रही हैं कि अब तक इस मदरसे से कितने नकली नोट छापे गए, सिंडिकेट में और कौन कौन लोग शामिल हैं, क्या नकली नोट के धंधे के पीछे पाकिस्तान कनेक्शन है। ऐसे तमाम सवालों के जवाब खुफिया एजेंसियां खंगाल रही हैं। ये दोनों जाहिर खान और जो प्रिंसिपल, दोनों ही उड़ीसा के रहने वाले हैं और इनकी इंटेरोगेशन में और जो हमारे पास अन्य इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस मिले हैं उसमें कुछ ऐसे फैक्ट्स आए हैं, उन पे भी हम कार्रवाई कर रहे हैं और जो अन्य लोग भी इसमें इन्वॉल्व होंगे उन पे भी पुलिस कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। जांच में ये भी पता चला कि मौलवी और उसकी टीम 15,000 रुपए में 45,000 के नकली नोट दिया करती थी, यानी असली वैल्यू का 3 गुना नकली नोट। इन नकली नोटों के जरिए भारत की करेंसी पर चोट करने की साजिश रची गई। सवाल ये कि इस साजिश के तार सिर्फ एक ही मदरसे या शख्स तक सीमित है या कहीं इस गैंग का कोई बड़ा नेटवर्क और हैंडलर तो नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।